दोस्तों साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल पर। नर्सिंग की दुनिया में सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, इम्पोर्टेंट नोट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और अदर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए आज की जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल से। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर कोविड-19, ये एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है और डेट है 20 सितंबर 2020। ये रिक्रूटमेंट नोटिस, वो कैन इंटरव्यू या टेस्ट दोनों हो सकते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट को जो है रिसर्च प्रोजेक्ट है ये नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री, तो आपको फिल करना है फॉर्म और भेजना है। ये ICMR द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है जो भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, कितनी वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, सभी के बारे में जानते हैं। पहली जो वैकेंसी है ये कंसल्टेंट की है, दूसरी वैकेंसी जो है ये प्रोजेक्ट ऑफिसर या रिसर्च नर्स, एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसकी BSc नर्सिंग है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में आप अगर MSc नर्सिंग है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। MSc नर्सिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस इन रिसर्च प्रोजेक्ट। जो आपकी पेमेंट रहेगा वो 31,500 रुपये पर मंथ रहेगा। एज लिमिट जो है वो 30 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी जो एज का रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी दिया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। ये जो टाइम पीरियड है वो 12 मंथ का है, बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। डेट ऑफ वॉक एंड इंटरव्यू का जो है वो 1 अक्टूबर 2020 2:00 PM। स्किल लैब सेकंड फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल, इस जगह पर आपको पहुंचना होगा। और डिप्लॉयमेंट लोकेशन जो है, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, एम्स भोपाल में भी हो सकती है, ICU और कोविड-19 वार्ड के अंदर और कुछ एरिया जो बाहर लोकल में भी आपको काम करना पड़ सकता है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो सेकंड फ्लोर रिपोर्ट करना है उनको, सेकंड फ्लोर स्किल लेबोरेटरी मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग एम्स भोपाल विथ सभी पर। जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो फिल करके लेकर जाना है आपको, और जो आपको एप्लीकेशन मिलेगी वो इस साइट पर जाकर आपको डाउनलोड करनी है, उसको फिल करना है। emsbhopal.edu.in/jobs.aspx, इस साइट पर जाकर आपको जो एप्लीकेशन परफॉर्मा है वो मिल जाएगा आपको, और वो आपको फिल करके पहुंचना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए आपको, आपके पास डेट ऑफ बर्थ का मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं का, 12वीं का, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, डिग्री है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो अभी वर्किंग काम कर रहे हैं उनको NOC भी लेकर जानी पड़ेगी। तो जो भी है आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब आपको लेकर जाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। एज कंसेशन जो है वो SC ST OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन फीस जो है वो कुछ भी नहीं है, 0 है, किसी की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। अब दोस्तों, टर्म और कंडीशन दी हुई है, क्या टर्म और कंडीशन है देखिए। कैंडिडेट एंश्योर कर ले कि वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। किसी भी प्रकार की क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। अपॉइंटमेंट विल बी मेड फ्रॉम द स्टाफ स्ट्रेंथ, अपॉइंटमेंट जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से, किस हिसाब से बनेंगे कैंडिडेट अपॉइंटमेंट,
जो है वो एम्स भोपाल और आईसीएमआर जारी करेगा। आपका जो टेन्यूर है, असाइनमेंट प्रोजेक्ट जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। ये स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है 12 मंथ का, बट ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो आपको आपका जो टाइम है वो बढ़ा दिया जाएगा। पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड। एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ख़त्म करना होगा तो आपको 30 दिन पहले प्रियर नोटिस दिया जाएगा आपको। उस हिसाब से लीव जो रहेंगी वो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग रहेंगी, उन्हीं के हिसाब से जो गवर्नमेंट लीव होती हैं वो आपको बता दी जाएंगी। अकोमोडेशन जो है वो आपका अपना होगा, किसी प्रकार का आपको हॉस्टल और अदर अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्रोवाइड करवानी होगी एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट और या इंटरव्यू के टाइम पर। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाने हैं, वहाँ पर ज़रूर पहुँचना है। और नो TADA, किसी प्रकार का आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की आपकी कोई गलती होती है तो उसके लिए आपको डिसक्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। और प्राइवेट प्रैक्टिस अगर आप करना चाहोगे तो वो आपको नहीं करने दी जाएगी, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको काम पोस्टिंग जो है वो प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रूरल एरिया में और फील्ड साइट पर भी करना पड़ सकता है, जैसे एम्स भोपाल है, या बाहर गांव में भी भेज सकते हैं। सारे रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं दोस्तों, किस हिसाब से आपको किसी भी प्रकार के लिए कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो कोर्ट ऑफ लॉ भोपाल अंतिम निर्णय उसी का रहेगा। डिसीजन अथॉरिटी के पास पूरा पावर रहेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको भोपाल एम्स भोपाल की वेबसाइट के ऊपर मिलती रहेंगी। बार बार आप वेबसाइट को लॉगिन करते रहें, किसी भी प्रकार के जस्टिफिकेशन के लिए कोर्ट ऑफ लॉ भोपाल रहेगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट नर्स का एक प्रोजेक्ट है, एक पोस्ट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो वेबसाइट पर जाएं और जो परफॉर्मा है उसको डाउनलोड करें। ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इस परफॉर्मा को डाउनलोड करें और फिल करके इंटरव्यू के लिए पहुँच जाएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा चैनल, हमारी वैकेंसी, हमारी अपडेट आपको कैसी लग रही हैं। किसी भी सुधार के लिए सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।